सीएनसी करने के बाद अगर पाइप को रीयूज करना चाहते हैं तो कैसे हम लोग उसको वॉश करते हैं या फिर मैं कैसे उसको वॉश करता हूँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आफ्टर सीआईसी मैं कैसे पाइप को वॉश करता हूँ रीयूज के लिए, वो आपको प्रोसेस अभी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, अभी मैंने सीआईसी किया है। सीआईसी करने के बाद इस तरह से है, पाइप के अंदर कुछ पानी भी है और जेल वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए बीटाडीन है मेरा पास, जो बीटाडीन से मैं उसको वॉश करता हूँ गर्म पानी के अंदर। तो बीटाडीन है और यहाँ पे डेटोल का एक हैंड वॉश है जो उससे मैं उसको वॉश करता हूँ। तो पहले यहाँ पे गीजर से मुझे गर्म पानी आएगा, तो गर्म पानी से पहले उसके अंदर कुछ पानी डालते हैं ताकि उसका जो अंदर का जो यूरिन वगैरह है वो निकल जाए। फिर वॉश करने के बाद एक बाउल में कुछ पानी लूंगा यहाँ पे, पानी लेने के बाद उसमें पाइप को धोऊंगा कुछ परिमाण के लिए, बीटाडीन उसमें डाल दूंगा। ये देखिए बीटाडीन डाल दिया और अभी जो है पाइप को उसमें रखना है कुछ टाइम के लिए। ये देखिए गर्म पानी प्लस बीटाडीन मिला के उसमें रखना है। तो अभी जो है बैक्टीरिया उसमें किल हो रहा है, तो 4-5 मिनट उसके अंदर रखने के बाद फिर आप उसको निकाल दो उसमें से। ये देखिए फिर 4-5 मिनट रखने के बाद फिर मैंने उसको निकाल दिया। फिर यहाँ पे देखिए हैंड वॉश लिया, फिर हैंड वॉश से उसको बाहर का जो हिस्सा है उसको वॉश करते हैं। ये देखिए कैसे मैं वॉश कर रहा हूँ बाहर का हिस्सा। गर्म पानी है ये, मतलब पानी में कोई भी जीवाणु नहीं है, पूरा का पूरा कील वाला बैक्टीरिया नहीं है उसमें पानी के अंदर। क्योंकि अगर गंदा वाला पानी में यूज करोगे तो पानी से ये कतरा जो है अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो आपको गर्म पानी में करना है, जब भी करना है गर्म पानी में करना है। ये देखिए कैसे मैंने इसको क्लीन किया है। हो गया पूरा क्लीन। अभी देखिए उसके अंदर जो पानी है उसको क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए ऐसा इस तरह से 2-3 झटका दोगे तो उसका जो पानी है पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये देखिए मेरा कितना रखा वाला जो बैग है उसमें रखना है। ये देखिए, तो मैं कैसे यूज करता हूँ ना, जैसे कि उसे मैं अभी सुबह किया 6 बजे, तो सेम के तरह नेक्स्ट डे सुबह करने वाला हूँ। क्योंकि जो उसके अंदर जो पानी वगैरह है वो पूरा का पूरा ड्राई होने की बाद फिर सुबह करना है, ऐसा नहीं कि अभी उससे करना है फिर 4 घंटा बाद उसी नलकत से अगर आप करोगे तो आपको है ना कैथेटर है पूरा का पूरा ड्राई नहीं होगा। तो पूरा जब ड्राई नहीं होगा मतलब उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो कैथेटर सुबह यूज किया फिर नेक्स्ट डे सुबह वही कैथेटर यूज करो, तो 24 आवर बाद आप सेम कैथेटर यूज करने से आपको जो इन्फेक्शन है वो होने का चांसेस कम होगा। हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भाई वालों को सबको यूरिन इन्फेक्शन होता है, मतलब ऐसा किसी बंदा नहीं कि उनका यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि नेलकेट हम लोग कैसे रखते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप उसमें ध्यान नहीं रखोगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होगा, फिर लीकेज होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप रीयूज कर रहे हैं नेलकेट तो आपको बहुत अच्छी तरह से यूज करना है, नहीं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा और प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा वीडियोज है कि आपका जो नेलकेट है वो रखने का तरीका सही नहीं है, जिसके कारण से आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाएगा। तो
या फिर बहुत सारा बंदा बताता है कि जो पाइप है उसको निकाल के फिर उसका जो थैली है पाइप का वो वॉश करके फिर थैली में डाल रखो। थैली में रखने से क्या होगा ना, वो जो उसमें पानी वगैरह लगा हुआ है वो ड्राई नहीं होगा, फिर ड्राई नहीं होगा मतलब इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होगा। पानी में वो जहाँ वेट जगह है ना, वेट जगह में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, ड्राई जगह में इन्फेक्शन कम होता है। तो इसीलिए आपको इस कॉटन जो बैग मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए कॉटन का पूरा क्लीन वाला बैग है, उसको मैं 2 दिन बाद एक बार वॉश करता हूँ। तो ऐसा आप कॉटन का क्लॉथ से यहाँ पे पार्ट पार्ट करके देखिए, मैंने 4 होल बनाया, 4 होल में यहाँ पे 4 पाइप मैंने वॉश करके रीयूज करके यहाँ पे रखता हूँ। नेक्स्ट डे सुबह एक एक करके पूरा दिन यूज करता हूँ। तो इसी तरह से मेरा रीयूज करने का तरीका है। कभी कभी मैं रीयूज नहीं करता हूँ, जब मेरा पास टाइम कम होता है तो मैंने एक बार यूज करके फेंक देता हूँ। अगर बाहर जाता हूँ तो मैंने एक बार यूज करके कैटर को फेंक देता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।